लापता सरपंच के मिलने के बाद समाज के लोगों ने अपहरण का लगाया आरोप, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र से गत दिवस पूर्व सरपंच राघव दास कुशवाहा निवासी बरेती कला थाना पनवार लापता हो गए थे। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही लापता सरपंच को बरामद कर लिया था। सरपंच अपने समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और सचिन तिवारी निवासी गढ़वा तथा उसके अन्य साथियों के ऊपर अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराने की मांग की है। रामदास ने बताया कि उसका अपहरण खपटीहा एवं डगडगैया के बीच मुख्य रूप से किया गया था। बताया जाता है कि रामदास ग्राम पंचायत बरेती कला का 2015 से 21 तक सरपंच था और वर्तमान में किराने की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा है। पूर्व सरपंच ने बताया कि जब अपने दुकान में काम कर रहा था तभी सचिन तिवारी निवासी गढ़वा रजनी शुक्ला निवासी डोढ़ो दुकान पहुंचे थे और गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी और उन्हीं के द्वारा अपहरण किया गया था। आइए सुनाते हैं पीड़ित ने क्या कहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आपकी खबर हमारी नजर। सीसीटीवी में रखे तो कैसे वहां से निकले हो, क्या चीजें? सर, 22 तारीख को हम जवा जनपद में के सामने दुकान गांधी पुतला के पास एक लिए थे किराया से विनोद सिंह से, उसमें काम करा रहे थे। लगभग 12 बजे दो लड़के आए, अचानक हमको मारने लगे। बोले हमारा पैसा नहीं दे रहे हो, पैसे दे दो नहीं जान से मार देंगे। बोला भाई आप जो आपका पैसे थे हमने खाते में आपके जो खाता दिए थे उसमें डाल दिए और इसके बाद मारने लगे। उसमें संचित तिवारी थे और रजनीश शुक्ला, दोनों हमको थाने लेके गए। बोले चलो भदौरिया के पास उससे मरवाएंगे, तब ये बताएगा नहीं ऐसे नहीं बताएगा। हमको 8 बजे तक वहाँ जवा थाना में पुलिस बैठा के रखा, हमारा FIR भी नहीं दर्ज किया था। फिर मैं 8 बजे वहाँ से जवा से निकला अपने घर के लिए। जवा से डगडैया की भी दूरी 3 किलोमीटर, वहाँ सुनसान जगह में हमको गाड़ी रुका के 4-व्हीलर से आए। अब उसमें दो लोग गाड़ी से उतरे थे, हमको नहीं पता कि 4 थे कि कितने थे, लेकिन जो बाहर निकले थे उसमें से एक संचित तिवारी था, उसको मैंने पहचान लिया। मेरे मुंह पे कैप लगा दिए थे, बीच वाली सीट पे मेरा मुंह नीचे करके लेटा दिए थे। घंटों गाड़ी चलने के बाद गाड़ी से उतारे हैं, हमारे पाँव में जूता नहीं था इसलिए हमको महसूस हुआ कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वो मोरम या कच्ची मिट्टी वाली रास्ता है। इसके बाद जंगल की ओर करीब 2-3 घंटे तक पैदल ले जाते रहे। फिर वहाँ जहाँ पे ले जाके हमको रोके थे वहाँ पे 3 सीढ़ी चढ़ के हमको जाना पड़ा था। हमारे मुंह पे कैप लगा हुआ था इसलिए हमने पहचान नहीं पाया, एक को देख पहचान लिया था जब कैप नहीं लगा था, संचित तिवारी को। वहाँ से छूटे कैसे? वहाँ से हमारे गांव की दूरी में गौशाला बना हुआ है 2-3 किलोमीटर पर, भूतपूर्व सरपंच था, मैंने ही बनवाया था। वहाँ से थोड़ा 100 मीटर दूर पे ले आके गाड़ी में वहाँ पे हमको छोड़ के चले गए थे। क्या चाहते हैं अभी आप? अभी हम चाहते हैं सर कि दूसरे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उनको उचित कार्रवाई की जाए। किस बात की शिकायत आपने की थी तो उनको अभी तक क्या कहा? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप आज हम SP साहब के पास आए हैं और आवेदन दिए हैं। कितने दिन तक अपहरण किए रहे? 24 घंटे से ज़्यादा। घटना दिवस आप थाने भी ले गए, थाने में पुलिस का कैसा व्यवहार? थाने में तो कुछ हुआ ही नहीं सर। थाने में हम उस दिन 8 बजे तक बैठे थे, फिर जो हमारे घर के लोग ढूंढने लगे तब फिर 11:50 पे FIR दर्ज किए थे मारपीट वाली। उसके बाद अपहरण हो गया? हाँ, उसके बाद उसके पहले हो गया था? हो गया था, मतलब घर के हमारे लोग गए थे सूचना देने की, अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, तो उनको रास्ते में मोटरसाइकिल हेलमेट वगैरह मोबाइल वगैरह हमारा रास्ते में पड़ा मिला। आप बता रहे हैं भी आपको थाने लेके गए थे वहाँ? हाँ, उसमें लेके गए दोपहर के समय जब मारपीट किए। क्या हुआ था थाने में? क्या उस समय पे कुछ नहीं हुआ था, हमको 8 बजे तक बैठाए थे, बोले चले जाओ आज कुछ नहीं होगा, लाइट नहीं है कल आना, इसलिए मैं मेरे को देर हो गई, अगर नहीं तो मैं दिन में ही चला जाता अपने घर, ऐसा वारदात नहीं होता। किस पद पे हैं आप? मैं अभी कुछ नहीं हूँ। पहले सरपंच थे? कौन सी पंचायत? बरेती कला। किस थाना क्षेत्र का मामला ये है? जवा।